होम अप्लायंसेस बनाने वाली साउथ कोरिया की प्रमुख कंपनी शीघ्र ही IITGNL के इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में अपना उत्पादन इकाई स्थापित करने जा रही है। कंपनी ने करीब 22 एकड़ जमीन खरीदने और करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश करने की इच्छा जताई है। इसके साथ ही इससे करीब 2000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। बता दें कि जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और DFCC के ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट के कारण ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में विदेशी कंपनी निवेश करने दिलचस्प दिखा रही है। आपको बता दें कि साउथ कोरियाई कंपनी गैंगनम स्ट्रीट और GH ग्लोबल के प्रतिनिधियों ने IITGNL के MD और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO सुरेंद्र सिंह से मुलाकात की और अपने प्रस्ताव से अवगत करवाया। CEO ने प्रतिनिधिमंडल को IITGNL की स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तथा प्लग एंड प्ले सिस्टम को भी बताया। ऑटोमेटिक वेस्ट कलेक्शन प्लांट के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं दिल्ली से मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से मिलने वाले फायदों के बारे में भी जानकारी साझा की गई। इसके साथ ही CEO ने यमुना एक्सप्रेस वे और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे सहित आसपास के मार्ग से कनेक्टिविटी को भी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दिखाया गया। इसके बाद कंपनी प्रतिनिधियों ने इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। वहीं प्राधिकरण के SEO अमनदीप डुली और IITGNL कंपनी सेक्रेटरी पतंजलि नारायण दीक्षित ने मौके पर कोरियाई प्रतिनिधिमंडल को टाउनशिप के प्लग एंड प्ले सिस्टम और ऑटोमेटिक वेस्ट कलेक्शन प्लांट व अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी।